चालान काटने में माहिर दिल्ली ट्रैफिक का नया कारनामा सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने मेरठ में मौजूद गाड़ी का चालान भेज दिया। मैसेज गाड़ी मालिक को मिलते ही वो सकते में आ गया। जानकारी के मुताबिक मेरठ के दौराला में वार्ड 6 के जिला पंचायत सदस्य सलोनी के पति अनुज चेयरमैन बुधवार को सुबह 11:23 पर अपने पल्लवपुरम स्थित आवास पर जनता की समस्या सुन रहे थे। इस दौरान उनकी बोलेरो गाड़ी आवास के बाहर खड़ी हुई थी, तभी उनके मोबाइल फोन पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मैसेज आया, जो उनकी गाड़ी के चालान का मैसेज था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 11:23 पर बोलेरो गाड़ी का चालान का मैसेज भेजा था। मोबाइल पर चालान का मैसेज आने पर उनके होश उड़ गए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद अनुज ने अपनी गाड़ी का वीडियो और दिल्ली पुलिस के चालान का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इसे दिल्ली पुलिस की गलती बताकर चालान निरस्त करने की मांग की। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इससे साफ है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मनमानी करने पर उतारू है और लोगों के बेवजह चालान काट रही है।